So well, hey what's up guys, welcome back into our another interesting video. तो well आज के फिर से लेकर के एक नई वीडियो तैयार. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे फ्री फायर की हीरोइक शर्ट के साथ ड्रेस कॉम्बिनेशन. तो यार आपको तो पता ही है कि अपने फ्री फायर की रैंक शर्ट कितनी ज्यादा ओवर द हॉरिजन लेवल की होती है. भले ही सारी नहीं, लेकिन हाँ यार कभी कभी तो फ्री फायर ऐसा करता है कि एक बहुत ही ओवर द हॉरिजन लेवल की शर्ट बना देता है. और ये उसी में से आपकी एक सीजन 24 की रैंक हीरोइक शर्ट की एक हुडी है, शर्ट की हुडी है या फिर हुडी की शर्ट है. चलो अब जो भी हो यार, आज की इस वीडियो हम इसी के साथ ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं. एंड यार बात करें मैक्सिमम ड्रेस कॉम्बिनेशन फ्री के होने वाले हैं. एंड ये अगर फ्री के भी नहीं होंगे तो यार मैं आपको बता दूंगा उन्हें फ्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यार वो कैसे होगा वो तो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा. तो इसलिए वीडियो को शुरू से करके एंड तक की वॉच कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है. और यार जो बंदा चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑफिस सेट कर देना, ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो भी सबसे पहले. तो चलो कैसे बिना देरी करे शुरू करते हैं. और यार इधर हम फिर से अपनी सेकंड आईडी में आ चुके हैं क्योंकि यार मैं तो अपनी आईडी में अपने लाइफ टाइम में कभी भी हीरोइक क्रॉस नहीं करी है. तो इसी वजह से यार मैं इस वाली आईडी में शूट कर रहा हूँ. एंड यार इसमें सीजन 24 की हुडी, जिससे यार इधर हम अपना ड्रेस अप करने वाले हैं. तो सबसे पहले किस तरह आपको ये वाली हेयर्स लगा लेने हैं जिसके ऊपर छोटी सी पोनी बनी रहती है. एंड यार अगर हम फेस की बात करें तो इधर काफी सारे मास्क हैं, बट यार इधर हमें एकदम नेक्स्ट लेवल लुक वाला लेना है. वैसे यार देसी गैंगस्टर के ग्लास काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन्हें फाइनल कर देना चाहिए. एंड यार मैं सोच रहा हूँ एक तो कलर ग्रेडिएंट वाला बनाना ही बनाना है आज, तो वो भी हम बनाए. बाकी इधर मैंने ग्लास सिलेक्ट कर लिए. पैंट्स की बात कर लेते हैं तो इधर पैंट्स वगैरह से मेरे हिसाब से ये वाली पैंट्स काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं. और जहां तक ये वाली पैंट्स फ्री भी हैं तो आपको यार ये वाली पैंट्स लेने ली है जिसका नाम है फ्रॉस्टी बीच की पैंट्स. और वहीं अगर हम शूज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है यार व्हाइट स्नीकर्स लेने या फिर व्हाइट स्पोर्ट्स शूज, या फिर अगर आपके पास हो तो वो जॉर्डन की जो कॉपी है ना यार आप उन्हें यूज कर सकते हो, वो भी चल जाएगी. एंड जहां तक उसका जो समथिंग में कलर ग्रेडिएंट है वो भी मैच हो जाएगा. और यार वहीं अगर आपके पास इन वाले हेयर्स की जगह रेड और चिली हेयर्स है तो वो और ज्यादा बेटर लगेंगे. अगर हो तो लगा सकते हो, मैं कोई आपका गलत बाकी आपके घर पे आके आपका मर्डर करने वाला नहीं हूं, वो भी इतनी सी बात के लिए. अब देखो जो पहला बंडल है वो तो बन चुका है. एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी, मैं यार सोच रहा हूँ एक कलर ग्रेडिएंट वाला भी बना के देखते हैं. तो इधर मैंने जब कलर ग्रेडिएंट से मैचिंग वाली हेयर्स ले लिए जो कि रेड व्हाइट समथिंग के मैच से बनाए गए हैं. और बाकी यार इधर मैं सोच रहा हूँ ये वाला फेस लेते हैं क्योंकि जहां तक है इस आईडी में ओनली बस ये वाला आइटम है जो कि रेड कलर का है. बाकी ये लगाने के बाद तो ना तो ये एकदम खूनी टाइप का लग रहा है. वैसे अच्छा तो लग रहा है लेकिन बुरा भी लग रहा है, तो इसे तो रहने ही देते हैं. बाकी इधर मैं फेस के लिए कुछ और ही चूज कर लेता हूँ क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा अजीब एंड बेहूदा सा लग रहा है. और इसके कानों से जो लेंटीना निकल रहा है ना ये तो और भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं. अगर यार ये हेयर्स में ये नहीं होते ना तो ये काफी ज्यादा बड़े लगने वाला था. बाकी यार ये तो थोड़ा बहुत मैचिंग हो गया तो इधर मैं सोच रहा हूं ये फाइनल कर देते हैं. और बाकी यार अगर आपके पास रेड हॉट चिली हेयर्स हो तो आप वो यूज कर सकते हो. बाकी यार मैं रैंक वाले ये फेस लगा के देखना चाहता हूं कैसा लगेगा ये फेस पे लगने बाद. बाकी यार बंदा तो ऐसे भी एकदम सेक्सी सा लग रहा है. और यार अगर आपको इतना ये मैचिंग वाली बीमारी नहीं है ना तो आप इस वाले बंडल को तो स्किप ही कर सकते हो. बाकी इधर मैं सोच रहा हूं यार इधर पैंट्स में ना ये वाली पैंट्स बहुत अजीब लग रही है तो इसकी जगह तो फ्रॉस्टी बीच लगा देते हैं. एंड ये फेस मास्क तो उससे भी ज्यादा बेहूदा लग रहा है. वैसे सीधे सीधे मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बंडल में बनाना चाह रहा हूँ वो बन नहीं रहा है. एंड यार जो आइटम्स मेरे को चाहिए वो इस आईडी में है नहीं. एंड जिस आईडी में उस आईडी में ही वाली शर्ट नहीं, मतलब है. यार अखंड चूती आ पाया है. बाकी इधर मैं देख रहा हूँ यार कुछ ना कुछ तो बन जाए, इसका जुगाड़ हो जाए जो कि यार मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन जाए. तो इधर काफी देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि इतनी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा बंडल बनाओ, ऊपर चोकर का फेस लगाओ, आपको बंडल एकदम टॉप और नेक्स्ट लेवल लगने वाला है. अगर यार आपके पास ये लव इन द एयर की पैंट्स ना तो यार आप इस वाले बंडल पे ना या फिर इस हुडीज के साथ ही ना काफी ज्यादा तगड़े कम से कम 10 तरीके के ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सकते हो. एंड यार मैं इसी आईडी के अंदर 10 तरीके के ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ सिर्फ इन तीन आइटम से जो कि इसने नीचे पहन रखे हैं. यानी कि बस मैं इसका फेस चेंज करूंगा और कुछ नहीं. और इधर टाइम ऐसे बीत रहा है कि हम तीसरे बंडल पे आ चुके हैं जो कि हमारा होने वाला है एकदम नेक्स्ट लेवल का. तो इधर मैं सोच रहा हूँ सिंपल प्लेन व्हाइट स्नीकर रहने देते हैं इन कपड़ों पे जो कि इस पे ऑलवेज अच्छे ही लगते हैं. वो मेरे जैज पैंट पे तो कांस्टेंट भी है. बाकी जैज पैंट वाले ही शूज हो जो कि आप मॉडर्न जैज शूज कह सकते हो तो आप वो लगा सकते हो, वो तो बहुत ही बड़े लगेंगे. एंड जैसे कि कलर ग्रेडिएंट में मैच हो जाएगा इसकी शर्ट के साथ. जब जो केस निकल के आता है वो आता है इसके फेस का जो कि हमें इसके फेस पे लगाना पड़ेगा एकदम बढ़िया सा बंडल जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल निकल के आए. तो इधर मेरे हिसाब से इधर काफी सारे आइटम है जो कि हम इस पे लगा सकते हैं. बाकी मेरा मानो ना तो इस पे सिंपल से क्रिमसन का मास्क एंड क्रिमसन की कैप लगा लोगे ना बंडल एकदम टॉप लेवल लगेगा. बाकी अभी जो मैं बना रहा हूँ ना ये थोड़ा पेड होने वाला है जस्ट बिकॉज इसमें मैं लगाने वाला हूँ तीन टाइप की चॉइसेस. एक तो ये वाली है जिसमें
आपको कुछ ऐसा लगाना है। एंड दूसरी गजर यही है कि आपको क्रिम्सन मार्कर का फेस मास्क एंड आपकी शर्ट एमिनस की कैप लगानी है। और फिर उसी के साथ गजर आपको अपने तीसरा वाला जो बंडल जो कि पेड है उसके लिए आपको ये पर्पल वाले गॉगल्स एंड अपने हेयर्स पे लगाने हैं, रेड हॉट चिली हेयर्स जो कि मेरे फेवरेट है। और वही अगर आपके पास कोई कैरेक्टर आलोक जैसा है तो गजर क्या ही बात है, उसके फेस पे बियर्ड होगी जो कि और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगेगी। बाकी यार ये भी ड्रेस कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड यार आपको कैसा लग रहा है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। इधर जो कैसे मैंने आपको थर्ड ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखा है, ये सिर्फ थर्ड ड्रेस कॉम्बिनेशन नहीं है, इन तीस ड्रेस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको तीन तीन ड्रेस कॉम्बिनेशन दिखा दिए। और जो हमारा फोर्थ ड्रेस कॉम्बिनेशन रहने वाला है इसके लिए आपको क्रिम्सन पार्क की हैट एंड वहीं के जरा आपको अपने पुंगस्टर रनर का फेस मास्क लगाना होगा, जिस पर किसी अगर आप चाहो तो ये वाला फेस मास्क लगा सकते हो, वरना गजब मेरे हिसाब से नॉर्मल फेस बेस्ट रहेगा। इससे ना काफी ज्यादा मक्खी के चेहरे जैसा लुक आ रहा है तो इसलिए यार इसे ना ही लगाओ तो वो बेटर रहेंगे। बाकी अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो फ्रॉस्टी बीच के शॉर्ट्स बेस्ट है इस वाली शर्ट के लिए, जस्ट बिकॉज ये शर्ट ऐसी है ना इस पर फ्रॉस्टी बीच बेस्ट लगता है। अगर आपके पास लव इन द एयर या फिर जैज पैंट है तो यार उससे तो बढ़िया क्या ही हो सकता है, वो तो यार एकदम नेक्स्ट लेवल चीज लगती है इस पर लगने के बाद। एंड देखो यार अभी कितना मस्त लग रहा है। बाकी अगर हम बात करते कुछ नई पैंट्स की जो कि हम इस पर लगा सकते हैं तो यार वैसे मेरे हिसाब से आलोक वाला नेकर भी काफी बढ़िया है। एंड यार ये वाले शॉर्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। मैं क्या करता हूं ना ये ब्लैक वाले शॉर्ट लगा लेता हूं। बाकी अगर आपके पास भी कोई शॉर्ट हो तो आप वो लगा सकते हो, ब्लैक नहीं हो ऑरेंज कलर का हो रेड कलर का हो तो आप वो लगा सकते हो। बाकी यार मैंने तो ये जर्सी वाले शॉर्ट लगा दिए एंड नीचे लगा लिए ये आई मीन ये स्नीकर्स, तो यार इधर हम नीचे स्नीकर्स लगा लिए एंड नॉर्मल लुक के साथ ये कर्डल काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। एंड यार आपको कैसे लग रहा है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड यार अभी तक के दिखाए हुए सभी बंडल में से सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और आई थिंक यार मैंने ये वाला बंडल एक बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी डाला है, शायद से यार मैंने जर्सी कोई और सी यूज कर लिया, याद है यार मैंने सेम टू सेम यही वाला यूज करा था। अभी अगर हम बात करें अपने अगले ड्रेस कॉम्बिनेशन की तो इसके लिए जैसे मैं लेने वाला हूँ ये रेडिश वाले बाल या फिर आप कह सकते हो ये पर्पल कलर के ग्रेडियंट वाले बाल। एंड यार ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, एक्सेप्ट कैसे अगर फ्री फायर इसमें से ये लोहे की रॉड निकाल देना तो ये काफी ज्यादा बड़े लगेंगे। एंड वही कैसे अगर हम बात करें बालों पे क्या लगाया जाए तो मेरे हिसाब से यार ग्लासेस काफी ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि यार कुछ हद तक जो इनका हेयर्स का ग्रेडियंट है ना वो यार इसके ग्लासेस के ग्रेडियंट से भी मैच करेगा, तो मेरे हिसाब से कैसे ग्लासेस बेस्ट रहेंगे। बाकी इधर और भी चीजें लगा के एक बार ट्राई कर लेते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है इस पे लगने के बाद, वरना मेरा फाइनल डिसीजन तो यही है कि मैं इस पे वही वाले ग्लासेस लगाने वाला हूँ जो कि आपके पर्पल वाले ग्लास है। एंड जैसे कि यार ये फ्री में भी देखने के लिए मिले थे। अब यार वही अगर हम बात कर लेते हैं इस बंदे की पैंट्स की तो हम पैंट्स भी यूज करने वाले आई थिंक हमारे वो गोल्ड रॉयल की पैंट्स काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे, या फिर यार ये वाले शॉर्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जस्ट बिकॉज इसका जो कलर ग्रेडियंट है वो मैच हो चुका है, समथिंग में मैच हो रहा है। एंड जहाँ तक ये आलोक की पैंट्स थे तो फ्री में भी आई थी। और वहीं अगर हम नीचे शूज की बात करें तो कैसे आप इधर एक क्रिम्सन पार्कर के शूज यूज कर सकते हो, व्हाइट वाले प्लेन स्नीकर्स यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास जॉर्डन्स हो यानी कि अपने जैज वाले मॉडर्न जैज तो आप वो भी यूज कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें आज की इस वाले वीडियो के फिफ्थ ड्रेस कॉम्बिनेशन की तो उसके लिए जरा आपको सबसे पहले तो यार ये वाला मास्क लगा लेना है, चूंकि यार समथिंग में इसकी शर्ट के कलर को मैच कर रहा है। हेयर्स पे जरिए कीबोर्ड वॉरियर के हेयर्स लगा लेने हैं। वहीं अगर हम पैंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से इस वाले ड्रेस कॉम्बिनेशन के लिए जैज पैंट्स बेस्ट रहेंगी। बाकी इधर फ्रॉस्टी बीच भी अच्छी लग रही है बट ये मेरे हिसाब से जैज पैंट ही बढ़िया लगेगी, क्योंकि जहां तक जैज पैंट हर बंदे के पास नहीं होगी तो इसलिए इधर हम फ्रॉस्टी बीच के ये वाले शॉर्ट्स यूज करने वाले। एंड वहीं फेस पे इधर ये व्हाइट वाला मास्क एंड नीचे सिंपल प्लेन व्हाइट स्नीकर्स। इसी के साथ अगर हम बात करें आज की इस वाले वीडियो के बोनस ड्रेस कॉम्बिनेशन की तो उसके लिए सर आपको सबसे पहले लेने होंगे मेरे रेड हॉट चिली के हेयर्स। वहीं के अगर हम फेस मास्क बाद में लगाने वाले हैं पहले के टॉप ढूंढ लेते हैं बढ़िया। तो क्या है मेरा पैंट्स का डिसीजन तो फाइनल है, मैं इधर लव इन द एयर की पैंट्स लेने वाला हूँ। एंड वहीं के अगर हम टॉप की बात करें तो मेरे हिसाब से कैसे शायद से इस वाली आईडी में लव इन द एयर की टॉप भी थी, तो यार ये रही हमारी लव इन द एयर की टॉप, तो इधर हम फाइनल इसे कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम पैंट्स की बात करें तो पैंट्स पे इधर मैं यूज करने वाला अपनी लव इन द एयर की पैंट्स। उससे पहले फेस की बात कर लेते हैं, जोकर फेस तुम्हारा सदाबहार आइटम है बट इधर हमें ये यूज नहीं करना है, इधर हमें यूज करना है अपना ओल्ड वाला बंडल के आइटम्स जो कि यार मैं पहले लगाया करता था इस वाले बंडल को बनाने के लिए। हाँ यार अभी जो आपको ये बंडल बनाने वाला हूँ ये कैसे कभी किसी टाइम पे इस आईडी का परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन था, बट बाद में तो कैसे ये चेंज होते रहते हैं फ्लेक्सिबल है, बट पहले कैसे ये वाला जो ड्रेस कॉम्बिनेशन था वो इस आईडी का परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन था। वहीं कैसे पैंट्स भी मिल चुकी है एंड नीचे कैसे आपके व्हाइट स्नीकर्स हो गए, और अगर मॉडर्न जैज मिल जाए तो वो तो बात ही करेगी। तो यार जो आपका फाइनल ड्रेस कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल का ड्रेस कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो कि एक बोनस ड्रेस कॉम्बिनेशन है। लास्ट बोनस ड्रेस कॉम्बिनेशन के साथ हमारी वीडियो बस यहीं पे खत्म होती है, तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।